हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये मॉनसून का टाइम है और मैं मॉनसून में अ सिंपल वॉक इन माय गार्डन देखने के लिए कि क्या चीज़ें कैसी हैं, कहाँ पर स्लग्स एंड स्नेल्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा पानी है, क्या चीज़ गल रही है, क्योंकि यहाँ रेनी सीजन में फ़ायदे तो बहुत होते हैं रेन्स के, मगर साथ में प्रॉब्लम्स भी बहुत लेके आती हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए शुरू करते हैं हम लोग कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये लीव्स मैंने अभी देखी है एक्सोरा की, ये सारी खाई हुई हैं। ये देखिए, सारी डैमेज्ड है। इनको मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये किस वजह से, ये क्या कीड़ा लगा है, क्या कारण है कि ये ऐसे हो गई है। अब इसको मैं ये चेक करूँगी। ये कुछ फ्लावर्स हैं, इनकी लीव्स देखूंगी थोड़ी लाइट ग्रीन क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और देखते हैं। अ सिंपल वॉक, ये तो मॉनसून में ये खिल उठा है। कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं, कुछ पौधे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये टेबल पे मैंने रखा है, इसको कहते हैं एंजॉय पोथोस, एंड जॉय पोथोस। और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये मेरे को छोटे से इसमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है रोज के प्लांट में, कि इसकी लीव थोड़ी येलोइश कलर की क्यों हो रही है। अगर ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं फिर तो कन्फर्म केस होता है कि फंगल अटैक है। इसको चेक करूंगी मैं। और ये जितने जेड हैं इनको देखना पड़ेगा कि इनमें पानी तो ज्यादा नहीं हो रहा, नहीं तो ये सारे गल जाएंगे। ये हालांकि बहुत छोटा कंटेनर है तो इसमें चांसेस ओवर वाटरिंग के कम होते हैं। और छोटे छोटे पॉट्स में इनमें कई बार पानी डालने से रह जाता है। और रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, मॉनसून में चलो पानी नहीं डालना है, पानी तो ऑलरेडी है, इस वजह से इसमें रह जाता है पानी। इनको सबको एक एक को चेक करना है। मैं हटा हटा के पत्ते चेक करती हूँ। देखिए, इसमें अभी मॉइस्चर है, इसमें होल नहीं है, तो इसको इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है। ओहो, ये देखिए, इसमें पानी एकदम भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो एकदम पत्थर हुआ हुआ है। इसकी लीव भी थोड़ी सूखने लग गई है। ये है, इसमें भी पानी नहीं है एकदम भी। तो ये मैं दोनों चीजों अभी ध्यान रखूंगी। ये देखिए, एक सिंपल वॉक होती है मगर ये बहुत इफेक्टिव होती है। इसमें इसमें भी पानी एकदम नहीं है। ये देखिए कितना ड्राई है। ऊपर हालांकि शेड है, बारिश आती ही नहीं है। ये वडेलिया का प्लांट है, ये तो ठीक है। रेफिस पाम भी कई बार पानी से महरूम रह जाता है क्योंकि इसको ज्यादा पानी नहीं देना होता, कंटेनर बहुत बड़ा है। इसमें ठीक है। वेरिगेटेड एरो रूट, इसमें भी पानी दिख रहा है, कईयों में तो दिख जाता है। और ये कार्डबोर्ड पाम मैं बताती हूँ इसके बारे में, ये रखा हुआ था लॉन के पास और इतना पानी हो गया था इनमें, इतना पानी हो गया था इसमें, फिर मैंने अभी अंदर रखा है, अब ये सूखा है जाके। ये ज्यादा पानी में ये गल जाता है, कम पानी में चल जाएगा, ज्यादा पानी में ये खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें देखते रहना पड़ता है। इनमें सब में पानी है, इसमें भी पानी है, ये भी एकदम सूखा हुआ है, इसमें भी पानी डालना पड़ेगा। ये क्रोटन है, इसको अभी मैंने, ये तो गीला हो रहा है, ये अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी, वेल ड्रेन्ड है। हालांकि रेड सॉइल है मगर बहुत अच्छी है। कोलियस है, इसकी पिंचिंग की है मैंने, इसकी पिंचिंग बहुत जरूरी है, अभी की है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, ये पिंचिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये इसकी लीव क्यों मुड़ रही है, क्या प्रॉब्लम है।
इसको तोड़ के देखना पड़ेगा क्या है। ये देखिए इसमें कोई कोई अटैक सा लग रहा है। इसको भी देखूंगी नीचे क्या प्रॉब्लम है। ये ओवर वाटरिंग का लग रहा है प्रॉब्लम। ये जेड इसमें भी ओवर वाटरिंग हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कई बार मैं कुछ ढक देती हूँ। ये तो ठीक है। ये देखिए इसमें चेक नहीं किया था, इसके नीचे से इतने स्लग्स एंड स्नेल्स निकले, चिपके हुए थे गमले के साइड में और नीचे पूरा लुढ़का के फिर देखा मैंने, क्योंकि ये खाए हुए हैं सारे पत्ते। देखिए बहुत सुंदर हो रहा था ये, अब ये सारा देखिए इसका क्या हाल किया है, पूरा खा लिया है। ये देखिए ये स्नेल है, पेड़ के नीचे से निकला, इसको खाया है सारा, और ऐसे कई सारे निकले थे, एक अभी और रह गया है। ये स्नेल है। आयरसीन में भी पानी ज्यादा हो गया है, इसके भी पत्ते देखिए, इसको भी यहां से हटाऊंगी। ये देखिए ये कैसे हो रहे हैं, स्लग्स एंड स्नेल्स बहुत तंग करते हैं। और ये देखिए ये वाला एरिया बहुत ज्यादा डेंस हो गया है, अब इसको थोड़ा मेरे को प्रून करना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो गया है। एक ये है, ये देखिए ये भी बहुत डेंस हो गया है, इसको ये देखिए कितना रूट बाउंड हो चुका है ये बहुत ज्यादा। तो इस मॉनसून में इसको प्लूमोसा कहते हैं, एस्पैरेगस फोन भी कह देते हैं इसको। इस सीजन में मैं मॉनसून में ये देखिए कितना अब दिख रहा है मेरे को, नीचे स्लग्स एंड स्नेल्स देखने के लिए किया तो ये देखिए कितना भर गया, ये वाला स्पेशल गमला बहुत ज्यादा भर गया है। पानी डालती हूँ एकदम से निकल आता है, तो इसको मैं रिपोर्ट करूंगी इसी मॉनसून में और कवर करूंगी प्लूमोसा के बारे में। ये बहुत ही प्रिटी प्लांट है, देखिए कितनी सुंदर लीव्स हैं इसकी, इसको मैं रिपोर्ट करूंगी। ओहो देखिए, एक दिन नहीं देखा तो क्या हुआ, ये देखिए कैटरपिलर देखिए। अभी रेन लिली का टाइम है और ये देखिए मेरे को अभी मिल गया ये कैटरपिलर्स, देखिए इसमें कितने ज्यादा है। इसमें भी देखिए बहुत बुरे हाल हो गए। ये देखिए ये मॉर्निंग वॉक जो होती है गार्डन में रेनी सीजन में बहुत मस्ट है, जस्ट चेक करने के लिए। ये देखिए यहां से हटाया है, यहां पर भी भरे पड़े, ये देखिए इनको मारूंगी नहीं एकदम, इनको फिजिकली रिमूव करके देखिए कितने ज्यादा है, लॉन में भी आ गए हैं। ये देखिए ये एक टूटा गमला पड़ा है, इसको भी मैं हटाऊंगी यहां से, इसमें इसको रिपोर्ट करूंगी। ये फाइकस का एक प्लांट है। ये देखिए ये पिंक सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम की लीव्स कितनी बढ़िया हो रही हैं। कुछ प्लांट्स तो ठीक चल रहे हैं, ये भी गल गया है। ये देखिए इसको मैंने, ये एकदम पानी से भरा हुआ था, इसको मैंने ये क्रोटन है, क्रोटन को मैंने फिर इसको ऐसे करके लॉन में लुढ़का दिया था कि बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, क्या करूं समझ में नहीं आया, इसमें से पानी ड्रेन नहीं हो रहा था। ये एक तो ये सेरेमिक का है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मैंने लुढ़का के रखा हुआ था। ये तो ठीक चल रहा है, ये सिंगोनियम है ग्रीन वाला। एक ही इसको भी स्टारलाइट फाइकस को भी मैंने लुढ़काया था, इसमें भी पानी था, हालांकि ये अर्दन पॉट है। और इसकी रूट्स देखिए थोड़ी, ये देखिए ये ऊपर आ गई है, अब इनमें थोड़ा सा मैं पॉटिंग सॉइल ला के डालूंगी। ये कटिंग लगाई थी क्रोटन की, ये तो आपके साथ ही लगाई है मैंने, दो लगाई है, ये लग रहा है हो गई है, मगर मैं आपको टाइम लैप्स के साथ दिखाऊंगी। ये भी खाए हुए हैं,
इनको भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए, इसको भी स्लग्स एंड स्नेल्स के लिए चेक करना पड़ेगा। ये पीडिलेंथस में भी बहुत ज्यादा पानी हो चुका है, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जमीन पे है। ये मैं बैकयार्ड में आई हुई हूँ चेक करने के लिए। और ये फर्न तो ठीक है क्योंकि इसको मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये स्टैंड पे है। और ये पीडिलेंथस, इसका थोड़ा सा बुरा हाल होगा। ये सब ठीक है क्योंकि ये ऊपर हैंगिंग पॉट ऊपर है। और मॉन्स्टेरा तो काफ़ी स्टर्डी स्ट्रॉन्ग प्लांट है। ये एक और मैंने क्लस्टर में रखा हुआ था ताकि यहाँ पर धूप से बचा सकूँ गर्मियों में। अब इनको सबको मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे यहाँ पर स्लग्स एंड स्नेल सारे खा जाएंगे इसको। आई होप आपको ये मॉर्निंग वॉक इन द गार्डन चेक करने के लिए कि क्या है प्रॉब्लम, कहाँ क्या है, अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।